दोस्तों मौत के पहले इस बच्चे ने कुछ ऐसा देखा जिसका वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये बच्चा अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ है, लेकिन इसको कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और फिर ये बच्चा रोने लगता है और आंखें अजीब सी करने लगता है और अचानक इसको कुछ अजीब सी चीज दिखाई देने लगती है और इस बच्चे के चेहरे का रंग बिल्कुल बदल जाता है, जैसे आसमान से कोई चीज इसकी तरफ आ रही हो। शायद ये मासूम बच्चा कुछ ऐसी अजीब मखलूक को देख रहा हो जो किसी और को नजर नहीं आ रही हो। इस बच्चे की नजर ऊपर की तरफ देख रही थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर रख दिया। दोस्तों जब इस बच्चे को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और ये ऊपर की तरफ देखता है, तो देखते ही देखते इस बच्चे की रूह जिस्म से परवास कर जाती है। दोस्तों हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राज के बारे में पहले ही आगाह कर दिया था कि जिसकी रूह कब्ज की जाती है उस वक्त उसको कुछ ऐसा मंजर दिखाई देने लगता है जो किसी और को नहीं दिखता। इब्ने माजा की एक हदीस है कि इब्ने सलमा का जब आखिरी वक्त आया तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए तशरीफ ले गए और अबू सलमा जाकनी के आलम में थे। तो हुजूर ने फरमाया कि जब मैयत की रूह निकल रही होती है तो उसकी निगाहें परवास किए जाने वाले रूह का पीछा करती हैं। तुम खुद देखते हो कि मैयत की आंखें खुली रह जाती हैं। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।